मैं संतोष कुमार स्मार्ट सॉल्यूशन पटना से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ऑफलाइन सेंटर चल रहा है और नेक्स्ट बैच जो है हमारी 5 जनवरी को है। तो अगर आप नई बैच के लिए बुकिंग करना चाहते हैं तो फटाफट बुक कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। जैसा कि हमारे पास एक हैंडसेट है सैमसंग की M31S, उसमें क्या है ना शॉर्टिंग है और उस शॉर्टिंग को हम सॉल्व करेंगे थर्मल कैमरा से, यानी कि कोशिश करेंगे कि आखिर उसमें प्रॉब्लम किधर है उसको डायग्नोस करने का कोशिश करेंगे थर्मल कैमरा से। हालांकि ये कोई नीड नहीं है कि थर्मल कैमरा ना हो तो आप नहीं कर सकते हैं, रोजिन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन थर्मल कैमरा हमारे प्रॉब्लम को थोड़ा आसान बना देता है, हम क्विकली फाउंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आइए आप हमारी स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो आप हमारा विंडो है, ये पूरा विंडो हमारा थर्मल कैमरा का, ये एप्लीकेशन का विंडो है। अगर आपको थर्मल कैमरा यूज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कह सकते हैं, मैं इस पर भी एक वीडियो आपको बना करके दूंगा। अभी कम्प्लीटली हमारे क्या है कि थर्मल कैमरा का आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। यहाँ दो फंक्शंस होता है इसमें, ये जो थर्मल कैमरा है हमारी वो सनशाइन की है, इसमें दो ऑप्शन है। इसके विजन को आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप इसके विजन को चेंज करेंगे तो भी आप इसकी हीटिंग को ढूंढ पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर डुअल कैमरा होता है। ये जो आप थर्मल देख रहे हैं इसके अंदर क्या है ना डुअल फैसिलिटी है। डुअल फैसिलिटी का मतलब है कि ये थर्मल सेंस भी करता है और विजन सेंस भी करता है। विजन में क्या होगा कि ये आपको रियलिटी अपने मदरबोर्ड की पिक्चर को शो करेगा, जैसा कि आप मदरबोर्ड यहाँ देख पा रहे होंगे और ऐसा ही आप अपनी स्क्रीन पे देख पाएंगे हमारी स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ देखिए आपको रियली आपको दिख रहा है और यहाँ दो टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। एक हमारा टेम्परेचर है 22.9 डिग्री सेल्सियस और एक 29, यानी कि हाई एंड लो टेम्परेचर को ये आउटपुट करता है कि आपका मदरबोर्ड अभी नेचुरल में कितना ठंडा है और कितना गर्म है। ठीक है, तो इस फोन में क्या है शॉर्टिंग है, प्रॉब्लम है फोन के अंदर, तो हम थर्मल की मदद से देखेंगे ये हमारा प्रॉब्लम आखिर किस आईसी में है, हमें किधर को काम करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इसे, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो पे, स्किप ना करें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें इसका थर्मल इमेज पे ऑन कर देना है। तो अभी हमारा क्या है ये थर्मल इमेज पे चला गया है हमारा सिस्टम। अब यहां से क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपने फोन के लिए यहां पावर ऑन करेंगे अपने डीसी सप्लाई मशीन को। आप पहले नॉर्मली इस पे वोल्टेजेस दीजिए, 4.0 वोल्ट 2 एम्पियर हमने दिया है। ठीक है, यहां हमारी पावर लगी हुई है। ठीक है, अब मैं इसका जैसे ही पावर की प्रेस करूंगा तो आपको इसकी स्क्रीन पे दिखाई देगा कि हमारा प्रॉब्लम किधर को है। तो चलिए मैं इसके पावर की को प्रेस करता हूं और आप नोटिस कीजिए। ठीक है, आपने नोटिस किया कि यहां पे हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये कौन सी आईसी है, तो ये हमारा पावर आईसी है। मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूं। देखिए कितना तेजी से हमारा आईसी वहां बर्न हो रहा है, यानी कि गर्म हो रहा है। ये तो हो गया इसका थर्मल इमेजेस, लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल विजन में देखना चाहते हैं तो भी ये दिखाई देगा। तो मैं इसको एक बार आपको नॉर्मल विजन में करके दिखाता हूं। ये अब हम आगे नॉर्मल विजन में। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। इस विजन में आपको नोटिस क्या करना है, इसकी जो ये टेम्परेचर है जो आप यहां देख पा रहे होंगे, जो टेम्परेचर दिखाई दे रहा है 23 एंड 29, इस टेम्परेचर पे आपको नजर रखनी है और आपको जो प्लस है रेड वाले टेम्परेचर उस पर अपनी नजर टिका के रखनी है कि आखिर वो हमारे मदरबोर्ड में कहाँ लोकेट होता है, इसकी लोकेशन को पकड़ने का कोशिश करना है। तो चलिए मैं यहाँ पावर की को प्रेस करता हूं, आप अपनी लोकेशन पे ध्यान देंगे। ये देखिए तुरंत हमारा लोकेशन जो है उसको ट्रेस कर लिया और एकदम पिकअप में ट्रेस किया कि हमारा वो 41 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। ज्यादा देरी मैं पावर की को नहीं दबा रहा हूं, नहीं तो ये आईसी काम के लायक भी होगी तो वो खराब हो सकता है। 50 डिग्री टेम्परेचर पे ये हमारा आईसी चला गया। ठीक है, और ये इसमें क्या है रियली में इस आईसी के अंदर में शॉर्टिंग है। चलिए मैं इसकी शॉर्टिंग आपने तो लोकेट कर लिया, कौन सी लाइन शॉर्ट है वो भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोन को यहां से बाहर कर लेंगे। ठीक है, ये आप हमारा बोर्ड देख पा रहे होंगे, अपने मल्टीमीटर को आप बजर मोड में रखिए। ठीक है, आपको मीटर का स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, मीटर का स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, साथ ही साथ बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड एंड हमारा मीटर। हम क्या करेंगे, इसके एक लाइन को निगेटिव पे रखेंगे कहीं पे भी, और यहां पे आप देखेंगे कि ये देखिए हमारा ये वाली जो कॉइल है इसमें शॉर्टिंग है। ठीक है, क्योंकि हमारा आईसी यहीं पे लोकेट हुआ था, इस सेक्शन पे हमारा आईसी लोकेट हुआ था, तो हमारा एक्चुअली में शॉर्टिंग यहीं पे है। अब आपको पता होनी चाहिए कि ये लाइन किधर जा रही है, तो ये लाइन हमारा जाता है रैम में, यानी कि अगर हम बात करें
तो इस फोन में जो सॉर्टिंग है वो रैम में लगी हुई है सॉर्टिंग, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो एवरीवन मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि एक थर्मल कैमरा का इस्तेमाल क्या है और थर्मल कैमरा से हम किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को जो सॉर्टिंग के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है उसको इजिली फाउंड कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डेमो था थर्मल कैमरा का आप लोगों के लिए। तो चलिए मैं दोबारा बता दूं आप लोगों को कि हमारा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग चलता है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।